हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? टेकेंगे बड़ों को पढ़ना छोटो गलो। तो मैं अभी फिलहाल पहुंच गया जम्मू, क्योंकि मेरे को जहाँ पे उन्होंने भैया ने छोड़ा था ना ऑटो में, मतलब आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा, ऑटो में छोड़ा था, तो मेरे को वहीं से ना गाड़ी मिल गई थी, वो भी जम्मू के लिए। तो जम्मू सीधा मैं यहाँ आ गया। तो यार यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो शॉप वगैरह मैंने देख लिए, मतलब फिर याद आ गया ड्राई फ्रूट यहीं पर जम्मू वगैरह मिलते हैं, और एप्पल वगैरह भी यहीं पर मिलते हैं। लेकिन यार पता है, मतलब मेरे को सबसे अजीब बात क्या लगी यहाँ पे, मतलब यार वही राजस्थान वाला हाल है। मुझे लगा कि यहाँ पे तो थोड़ी बहुत ठंड होगी, वो गर्मी तो नहीं होगी कम से कम, लेकिन सेम वही हाल है यहाँ का भी। तभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी के कटरा की तरफ, तो देख लेना। बाकी यार वही हाल है यार, मतलब मन टूट गया सच में। मतलब लगा नहीं था यार कि गर्मी होगी जम्मू के अंदर भी, क्योंकि हमेशा ये सुनाया था जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ गिरती है, मतलब बर्फ़ भी नहीं, कम से कम ठंड तो होगी यार, गर्मी है अच्छी खासी, सूरज, वही राजस्थान वाला हाल है, पूरा राजस्थान वाला हाल है यार, बहुत भयंकर गर्मी है यहाँ पे भी। तो फिलहाल चलते हैं आगे। और यहाँ पे ना यार प्रीपेड सिम मैंने सारी बंद हो जाती है, पोस्टपेड सिम चलती है सिर्फ। फिर आप आते हो यार जम्मू कश्मीर वगैरह इधर की तरफ, तो है ना प्रीपेड सारी सिम आपके नेटवर्क खत्म हो जाएंगे, पोस्टपेड रहेगी। मैं आज वीडियो भी डाल पाया, थोड़ा लेट डाल दूंगा, तो पोस्टपेड। तो यार अभी फिलहाल मैं यहाँ पहुँच गया, और जैसे इन भाई साहब ने बताया मेरे को, धन्यवाद भैया। और मैं यहाँ पास और कौन कौन सी जगह भी है घूमने के लिए? यहाँ पे बो फोर्ट है, रघुनाथ मंदिर है। ये बोफट मतलब किस चीज़ का मंदिर है? बोफट देवी का मंदिर है। देवी का मंदिर कितना दूर है यहाँ से? दो ढाई किलोमीटर होंगे। दो ढाई किलोमीटर, हाँ। तो थैंक यू भैया जानकारी के लिए। और चलो ठीक है, चलते हैं यहाँ से अभी जो गुरुद्वारा चलते हैं, लंगर वगैरह लेंगे, फिर यहाँ से जो बोफट मंदिर बता रहे हैं माता देवी का, तो वहाँ पे भी चलेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे कटरा के लिए, वैष्णो देवी के लिए। तो देखते हैं यार आज की जर्नी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, नहीं तो फिर कल चलेंगे जैसा भी होता है। सर अभी लंगर वगैरह की व्यवस्था तो नहीं हो पाई है ना, लेकिन हाँ ये भैया ने मेरे को लिफ्ट दी है। और कहाँ जा रहे हैं अपन अभी? अभी हम बावे वाली माता के मंदिर जा रहे हैं। बावे वाली माता, तो अभी बावे वाली माता है, काली माता है ना, काली माता का मंदिर है, वो भी यहाँ पे बहुत फेमस है जम्मू के अंदर, तो उसको भी कवर करेंगे आज। और फिर उसके बाद भी देखते हैं यहाँ पे दिल खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर अभी फिलहाल मैं आ गया मंदिर के अंदर, और जी 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 तरीके से यार यहाँ का रास्ता काफ़ी अच्छा, मार्केट है यहाँ का भी, और बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो चलते हैं फिलहाल अंदर और देखते हैं अंदर। माँ काली का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर बता रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से मार्केट है ना, बहुत बड़ा मंदिर है शायद ये, मतलब किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा होगा यार यहाँ के मंदिर को अभी तक, मतलब जैसे बाहर के किसी तो देख लो, क्योंकि मैन जो है वैष्णो देवी का, मतलब उसी को फोकस करते हैं लोग। तो यार जब मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ और सोलो ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी। तो चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ का सीन कुछ इस तरीके से यार, अभी मैं पहाड़ों के ऊपर हूँ, और ये पूरा निचला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं यहाँ का, यहाँ बंदर काफी है यार। सर ये यहाँ का मंदिर है, और अंदर वैसे ना मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, मैं बता नहीं सकता यार, कुछ भी अलाउ नहीं है, मोबाइल वगैरह, चार्जर, ईयरफोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। और ये मंदिर है यार, यहाँ पे जो यहाँ के जो राजा थे ना, जम्मू और एक और दो राजा थे, उन्हीं के नाम से ये जम्मू कश्मीर, जम्मू जो नाम पड़ा था यहाँ का। और अंदर माँ काली का मंदिर है, अंदर लंगर वगैरह भी चल रहा है, पूरी व्यवस्था है, और बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सबसे पुराना मंदिर, मतलब मैंने जब यहाँ के मंदिरों के बारे में जानकारी ली थी और पूछा, तो बता रहे हैं कि 1200 साल पुराना मंदिर है, और काफ़ी बड़ा मंदिर है यार, ये पूरा फैला हुआ है पहाड़ पर है, नीचे पूरी देखो जनता, मतलब उधर की तरफ आप दिख रहा होगा। अब यहाँ के जो एस एच ओ है ना, उनसे मेरी बात चल रही है इस चीज़ को लेकर के, वो मतलब एस एच ओ भी DM को बात करेंगे, मतलब आगे कि मैं वीडियोग्राफी कर सकता हूँ क्या, तो अभी प्रोसेस है, मेरे को 1.5 घंटा हो गया वेट करते हुए, लेकिन जैसे होता है तो फिर मैं देखता हूँ, यदि अंदर दर्शन करा पाता हूँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं तो फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। तो आखिरकार मतलब 2.5 घंटे बाद ही मेरे को यहाँ पर परमिशन मिल गई, और इन भैया ने मेरे को दिलवाई थी यहाँ पर जो जम्मू के, ठीक है भैया, बहुत बहुत मतलब आप तो मेरे हेड से बहुत ऊपर जा रहे हो, कैमरे में नहीं आ रहे तो इन्होंने मेरे को परमिशन दिला दी यार, और
जब यहाँ के जैसे मतलब दो ढाई घंटे लग गए मेरे को वेट करने में, तो अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक है यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक है। मतलब लोग सब लोग शौक धोने की मोबाइल लेके कैसे जा रहे हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, तो चलो तो फिलहाल मैं मंदिर के दर्शन करो आराम से। एंशिएंट गौतम के नाम से सर, अभी और चेक हो रही है, मतलब काफ़ी सर दोबारा मेरे बैग वगैरह की चेकिंग हुई है, मतलब काफ़ी मुश्किल था यहाँ पे, लेकिन चलो फिर भी यार मेहनत रंग लाई। तो चलो ठीक है, मंदिर देखो कुछ इस तरीके से। तो ये मेन मंदिर है माता रानी का, जो माँ काली का मंदिर है, और हाँ और इधर लंगर वगैरह लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे जो ये बकरियाँ वगैरह चढ़ाई जाती है, यहाँ पे बकरियाँ वगैरह चढ़ाई जाती है, जब मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पे बकरियाँ वगैरह चढ़ाई जाती है माता रानी की, और उनकी मनोकामना पूरी होती है सब। और यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, वैसे गणेश जी का भी है, शिवलिंग है, शिवालय बना हुआ, इधर भी शिवालय बना हुआ, उधर भी शिवालय बना हुआ है, और इधर लंगर वगैरह की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। मैं मतलब अंदर से दर्शन नहीं करा सकता क्योंकि परमिशन नहीं है यार अंदर की, और ऐसे सिक्योरिटी और अंदर से ऐसा कुछ बना हुआ है, आप देख लो बाहर। माता मंदिर है यहाँ पे, लंगर वगैरह पूरा व्यवस्था रखी है, और यहाँ पे मतलब बर्तन वगैरह साफ सफाई हो रही है, और ये पूरे लंगर के लिए पूरी व्यवस्था हो रखी है। और इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा वैसे मैं बता देता हूँ आपको ना, ये 1200 साल पुराना मंदिर है, बाकी यहाँ के जो लोकल है ना उनसे भी जानकारी मिलेगी। ये गढ़ था मतलब राजा का है ना पहले, और एक मंदिर यहाँ पे ये बना हुआ है। शिव जी और पार्वती जी शनि महाराज का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं कि जानकारी लेते हैं मंदिर के बारे में, पूरा इतिहास है वो जानेंगे। तो पंडित जी जय श्री राम, जय माता जी। जय माता दी। तो मेरे को थोड़ा सा बताओ कि मंदिर के बारे में। ये काली माता का मंदिर है, और यहाँ पे जो भी आती है संगत आती है, मन्नता वगैरह मांगती है, वो पूरी होती है इधर। तो मतलब ये कहाँ का मंदिर है, मतलब कितना टाइम हो गया इस मंदिर को? ये मंदिर काफ़ी पुराना है, हमें भी इसकी जानकारी नहीं, ज़्यादा पुराना है। अच्छा, जैसे मतलब यहाँ के जो दो राजा थे वो आप बता रहे थे, मतलब एक जम्बू लोचन राजा था, एक बाहु लोचन राजा था। एक जम्बू लोचन राजा था, एक बाहु लोचन राजा था। ये बाहु किला इसको बोलते हैं, बाहु किला है, इसके बीच ये माता रानी का मंदिर बना है, काली माता का। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को यहाँ के बताने के लिए, और बाकी मैं आपको और बता दूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अरविंद भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने पूरी हेल्प करी यार, थैंक यू।
सर ये 1200 साल पुराना मंदिर है और बहुत प्राचीन इतिहास रहा है इस मंदिर का भी। ये पूरा गढ़ के अंदर बना हुआ, जो यहाँ के जम्मू जो राजा थे यहाँ के, उनके नाम से इसका नाम रखा था जम्मू, है ना। और हाँ, उन्हीं की ये मतलब कि जैसे एक धर्म को लेकर के अपना होता है ना कि अपने देवी देवताओं को मानते हैं, उसी हिसाब से जो वहाँ के जो जम्मू और जो राजा थे वो इन देवी देवताओं को मानते थे, माँ काली को मानते थे। और यहाँ पे मतलब तब से ये वो रही है प्रथा इस चीज़ को लेकर के, जैसे जो बकरी वगैरह चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना होती है तो वो अपनी बकरी वगैरह चढ़ाते हैं ना। और ये यहाँ पे उस समय की जो रानियाँ हुआ करती थी वो यहाँ पे नहाया करती थी ना, मतलब जैसा कि होता है मंदिरों के अंदर स्नान वगैरह कर करके फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसी हिसाब से मतलब यहाँ की जो रानियाँ थी वो यहाँ पर स्नान वगैरह करती थी उस समय। और हाँ, तो यहाँ पे स्नान वगैरह करके फिर जाया करती थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को बनाए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाली वीडियो जल्दी देखोगे आप।